सभी को कुसुम का नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी से मूंग दाल के दही वड़े। ये मूंग दाल के दही वड़े ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप एक बार घर पे इसे बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग दही वड़े को किस तरह से बनाना है। मूंग दाल के दही वड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ना 1 कप लिया है मूंग की दाल। और इस मूंग की दाल को हमें सबसे पहले एक बर्तन में डाल लेना है और इसे ना एकदम अच्छी तरह से साफ से धो लेना है, क्योंकि इस बहुत गंदा होता है। इसलिए आप इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो ले, आप 4 पानी से भी धो ले, पर एकदम क्लीन करके आप इसे धो लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसे एकदम साफ से धो करके तैयार कर लिया है। और अब मैं इसे करीब 7 से 8 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूंगी। 7 से 8 घंटे जब ये भीग करके तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 7 से 8 घंटे हो गए हैं और ये दाल हमारी कितनी अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम एक ले लेते हैं मिक्सर जार और इस सारे दाल को हमें पीस करके लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, दाल की जितनी पानी है ना, इसे हमें नहीं लेना है, सिर्फ दाल लेना है, ठीक। और दाल को हम पानी से अलग करके इसमें डाल लेंगे और इसे बिना पानी डाले हुए इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना। तो ये देखिए, मैंने इसका एकदम अच्छा सा एक पेस्ट बना के तैयार कर लिया। चलिए अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे एक बॉल में ले लिया है और अब हम इसे करीब 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से फेटेंगे। और इसे फेटने के समय सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक ना, अलग अलग तरफ से नहीं फेटना है, एक ही तरफ से आप इसे 5 से 10 मिनट फेट के ले लीजिए। आप इसे जितना अच्छा फेटेंगे, आपकी मूंग की बड़े उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। ये पूरा ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, वरना आप स्किप कर दीजिए। और आप इसमें थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे सोडा नहीं डाल रही हूँ, बिना सोडा का ही बना रही हूँ, ठीक ना। और आप जैसे ही मैंने बताया, दाल को जितना अच्छा फेटेंगे आपके दही बड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। इसलिए अब दाल को बहुत अच्छी तरह से फेटें। तो यहाँ पे मैंने दाल को फेट के तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे तलते हैं। यहाँ पे मैंने ना 1/2 लीटर जैसा पानी लिया हुआ है और इस पानी में मैं डाल रही हूँ करीब 2 चम्मच जैसे नमक। तो नमक मैं छोटा वाला चम्मच से यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी करीब पिंच भर जैसा हींग, एकदम चुटकी भर जैसा हींग आप डालो, उससे ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और उसके बाद हम इन दोनों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम रख देते हैं साइड में। इनको ना मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और ये हल्का मीडियम गर्म है। और चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं। तो इस पे डालने के समय ना, अब मैं यहाँ थोड़े छोटे छोटे बॉल्स बना के डाल रही हूँ। आप अगर चाहो तो थोड़े बड़े साइज़ के भी बना सकते हो। दही बड़े आपको जितने बड़े खाने हैं आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम सारे बॉल्स इसमें डालेंगे। और जैसे ही आप डालते हो ना, गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दीजिए, मतलब मीडियम में कर दीजिए, हाई फ्लेम में बिल्कुल मत बनाइएगा, वरना ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल नहीं पकेंगे। और अंदर से नहीं पके ना और ऊपर से जल गया तो समझिए आपके सारे के सारे दही बड़े हार्ड हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान दें। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि अच्छा सा ये गोल्डन ना हो जाए, ठीक ना। और आपकी गैस की फ्लेम को जैसे मैंने बोला मीडियम में रख के इसे पकाना है। तो चलिए हम इसे मीडियम फ्लेम में ही रखते हुए अच्छी तरह से पका लेते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए कितनी अच्छे से कलर आ गया है ना इसमें, एकदम गोल्डन गोल्डन सा। तो बस हमें इसी तरह से इसका कलर चाहिए। तो चलिए हम सारे के सारे निकाल लेते हैं पहले तेल से, उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखलाती हूँ। पानी जो मैं आपको दिखाई थी, उस पानी में मैं ये सारे के सारे वड़े डाल दूंगी। और ये जो वड़ा मैंने इस पर डाला है ना, ये वड़ा ना बिल्कुल ठंडा है, ठीक ना, गरम गरम आपको नहीं डालना है कि तेल से निकाले और डायरेक्ट पानी में डाल दिए। थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आप इसे डालिए। और पानी में हम इसे करीब 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से रहने देंगे और 1 से 1.5 घंटा बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जब तक हमारी दही वाले पानी पी रहे हैं, तब तक हम अपनी दही तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दही हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी से दिख रही है ना, मतलब थोड़ी थिक है। तो चलिए हम दही में सबसे पहले डालते हैं 2 चम्मच चीनी। तो चीनी यहाँ मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम जो मैंने दही ली है ना, वो थोड़ी सी खट्टी है। अगर आपके पास ताज़ी दही है या दही मीठी है तो आप चीनी बिल्कुल मत डालिएगा। तो यहाँ पे खट्टी दही थी इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाला है। और दही अगर आपकी बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, पर मेरी ज़्यादा थिक दही नहीं थी, नॉर्मल थी, इसलिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। और इसे ना मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके लूँगी, जिससे कि चीनी एकदम अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। तो ये देखिए एकदम अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया, देख रहे हैं ना, एकदम लिक्विडी हो गया है। तो इसी तरह से हमें दही को तैयार करके लेना है। और अगर इस तरह से नहीं होता तो आप मिक्सर में चला लीजिए। और इसे हम साइड में रख देते हैं।
और चलिए देख लेते हैं दही बल्लों को। तो ये देखिए दही बड़े हमारे कितने अच्छे तरह से फूल गए हैं ना। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ बड़े साइज़ के भी बनाए थे और कुछ छोटे साइज़ के भी, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें का जितना एक्स्ट्रा पानी जियो हमारे दही बड़ों में है ना, वो सारा निकाल लेंगे। इसमें पानी हमें नहीं चाहिए, इसलिए आप निकाल लीजिए और पूरा ताकत से आप इसे मत निचोड़िए, नहीं तो क्या होगा पता है, ये टूट जाएंगे क्योंकि वो पानी में रहने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं ना। और अगर आप पूरा ताकत लगा के इसे ऐसे निचोड़ोगे ना तो क्या होगा ना, वो तुरंत टूट जाएंगे। मतलब हल्का हाथ से आपको इसे सिर्फ प्रेस करना है और दही में इसे डिप कर देना है। दही में डिप करने के बाद ना आप इसे इसी तरह से 15 से 20 मिनट तक दही में ही रहने दीजिए, ठीक। 15 से 20 मिनट जब दही में रहेंगे ना वो, तो दही को अच्छी तरह से पी लेंगे। तो जैसे ही दही को वो एकदम अच्छी तरह से पी लेंगे ना, तो उसके बाद हमारे दही बड़े और भी टेस्टी होंगे खाने में। तो हम इसे 15 मिनट इसी तरह से दही में ही छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। ये मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है और ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे अच्छी तरह से दही और इसके ऊपर हम डालेंगे मीठी चटनी। ये खजूर की मीठी खट्टी चटनी है, ये बहुत ही टेस्टी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हरी चटनी थोड़ी सी। और हरी चटनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, ठीक। भुना हुआ जीरा आपको डालना है, कच्चा जीरा नहीं डालना है, भुना हुआ जीरा का पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्का सा मिर्च का पाउडर। ये मिर्च का पाउडर भी मैंने भून करके ही लिया है, इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पाउडर और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। और नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, ठीक। हरा धनिया डालने के बाद ये हमारी हो जाती है दही बड़े कंप्लीट। अगर आपको ये मेरे दही बड़े अच्छे लगे और पसंद आए होंगे अगर इसकी रेसिपी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।